Assalamualaikum everyone. Welcome to the Friends Coaching. So today's our topic is relationship between KC and KP. So let's start. So what is the relationship between KC and KP? इसके बारे में हमारी बुक में तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं. वो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, KP is equal to the KC in these cases where there is no change in volume. KP KC के इक्वल होगा कब? जब कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है तो दोनों तरफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि कोई भी मोल्स का चेंज नहीं होना चाहिए, तब के पी इक्वल होगा के सी के. जैसे कि यहाँ पर टू यहाँ पर प्रोडक्ट में है, तो वन प्लस वन टू यहाँ पर रिएक्टेंट में भी मोल्स हैं, तो कोई मोल का चेंज नहीं है, यानी कि के पी इज़ इक्वल टू के सी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, के पी इज़ ग्रेटर देन के सी वैन देयर इज़ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोडक्ट साइड. के पी के सी से ज़्यादा होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट साइड पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, 2NH3 एंड 2 प्लस 3H2. अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो प्रोडक्ट साइड पे जो वॉल्यूम है या मोल्स हैं वो 3 प्लस 1 4 है, और जो रिएक्टेंट साइड पे हैं वो 2 हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है, मोल ज़्यादा है, तो KP भी ज़्यादा होगा. थर्ड पॉइंट है हमारे पास, KP इज लेस देन KC व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोडक्ट साइड. KP KC से कम होगा जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा प्रोडक्ट साइड पे. फॉर एग्जाम्पल, 2SO2 प्लस O2 2SO3. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रोडक्ट साइड पे जो वॉल्यूम है, मोल्स हैं, वो 2 है, जबकि रिएक्टेंट साइड पे मोल्स क्या है? 3, 1 प्लस 2, 3. तो प्रोडक्ट साइड पे जो वॉल्यूम है, मोल्स हैं, वो कम है, तो केपी भी क्या होगा? कम. अगर मैं ये तीनों पॉइंट पढ़ती हूँ तो मुझे अभी भी रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा केसी और केपी का. मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ, मैं अभी भी ये बात समझ नहीं पा रही कि केपी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, क्या प्रोडक्ट के वॉल्यूम पे केपी डिपेंड कर रहा है, या किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. केपी और किसी के दरमियान आखिर रिलेशन क्या है? सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिक दिस लिंक. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट. सबको एक इक्वेशन तो बहुत अच्छे से आती होगी, और वो है पीवी इक्वल टू एनआरटी. इस इक्वेशन के थ्रू एक डेरिवेशन है जिससे हमने रिलेशनशिप निकाला केसी और केपी का, और वो है फाइनल रिजल्ट हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी एक्सपोनेंट एन जी. यहाँ पर के पी क्या है? यहाँ पर के पी हमें शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड अ क्लोज सिस्टम. के पी हमें क्या बताता है? पार्शियल प्रेशर बताता है. के सी हमें क्या बताता है? मोलर कंसनट्रेशन. के सी इज डिफाइंड बाय मोलर कंसनट्रेशन. आर का मतलब क्या है? ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी में जो आर है, ये वही आर है जो कि एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.08206 मोल के, और टी का मतलब है टेम्परेचर, जो कि हमेशा केल्विन में हम यूज़ करेंगे. और यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एन का मतलब होता है मोल्स, और जी का मतलब होता है गैस. तो डेल्टा एन जी का मतलब है चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस. अब हम हर चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा एन जी अभी निकालना हमें समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे. तो डेल्टा एन जी निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. हमेशा चेंज इसी तरह निकालते हैं, फाइनल को इनिशियल से माइनस करके. तो फाइनल यानी कि प्रोडक्ट में जो मोल्स हैं उनको माइनस कर देंगे रिएक्टेंट में जितने मोल्स होंगे. अभी आगे जाके ये बात क्लियर हो जाएगी. अब हमारी जो पहली इक्वेशन थी H2 प्लस I 2HI, इसको अगर गौर से देखें तो दोनों तरफ वॉल्यूम क्या है? इक्वल है. तो इसका मतलब के पी इक्वल होना चाहिए के सी के. अब इस बात को प्रूफ करते हैं कि कैसे. हमारे पास ये इक्वेशन है, ये रिलेशन है. अब इसमें हर चीज़ को पुट करके देखते हैं कि के पी इक्वल है के सी के. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं उसको माइनस कर देना है रिएक्टेंट के मोल्स को. प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 2. रिएक्टेंट में कितने हैं? 1+1 यानी कि 2. तो 2 माइनस 2 कितने हो गए डेल्टा एन जी? 0. ऑलराइट. अब इस जीरो जो आया डेल्टा एन जी की वैल्यू, इस जीरो को उठा के डेल्टा एन जी की जगह रख देंगे. तो के पी इक्वल टू के सी आर टी जीरो. ऑलराइट. अब ये चीज़ तो मैथ में सबने पढ़ी होगी, अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर जीरो आ जाती है तो वो पूरा वन के इक्वल होता है. तो आर टी के ऊपर अगर पावर जीरो आ गई तो ये पूरा आर टी किसके इक्वल हो जाएगा? वन के इक्वल हो जाएगा. तो के पी इक्वल टू के सी एज इट इज आएगा, और आर टी की जगह आ जाएगा वन. ठीक है. के सी को मल्टीप्लाई करूंगी वन से, के सी वन सा के सी, तो के पी इक्वल हो गया के सी के. तो ये बात प्रूफ हो गई मेरे पास कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम देन के पी इज़ इक्वल टू के सी.
ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसी में हमारी इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. Kp कैलकुलेट करना है जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 300 केल्विन है और Kc की वैल्यू गिवन है. और इक्वेशन हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन 2NH3N2+3H2. अगर इस इक्वेशन को देखूं तो प्रोडक्ट साइड पे जो वॉल्यूम है मोल्स हैं वो ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे कम है. जब प्रोडक्ट साइड पे जो मोल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं तो Kp भी ज़्यादा होता है. अब जो हम Kp इससे कैलकुलेट करेंगे वो इस Kc से ज़्यादा आना चाहिए, तो बात प्रूफ हो जाएगी हमारी. तो लेट्स स्टार्ट, ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले Ng सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 3+1 4, माइनस करेंगे रिएक्टेंट में मोल्स कितने हैं, 2 से, यानी कि 4 - 2. तो ये कर दिया मैंने 4 - 2, क्या आंसर आया, 2. अब डेल्टा Ng की जगह मैंने रख दिया 2, ठीक है, डेल्टा Ng की जगह रख दिया 2. अब क्या करूँगी, R की वैल्यू पुट करूँगी. R की वैल्यू क्या होती है वो पुट करूँगी और टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 टेम्परेचर पुट कर दूँगी. R की वैल्यू कांस्टेंट है 0.08206, टेम्परेचर 300 केल्विन और ये स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर लिया इनका और Kc की वैल्यू जो गिवन है हमने Kc की जगह रख दिया, तो ये लिख दिया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आया 7.09067 × −3. Kc की वैल्यू में था −5, Kp की वैल्यू में है −3. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि −5 छोटा नंबर है, −3 बड़ा नंबर है. −3 मतलब 3 जीरो होंगे 7 से पहले, −5 मतलब 5 जीरो होंगे. कितना छोटा नंबर हो गया ना फिर ये. तो Kp क्या हुआ, बहुत बड़ा आया हमारे पास Kc से. तो ये बात प्रूफ हो गई हमारे पास, Kp is greater than Kc when there is increase in volume on product side. जब product side में volume ज़्यादा था तो हमारे पास Kp भी ज़्यादा आया. थर्ड हमारे पास equation क्या है, problem solve करते हैं पहले. Calculate Kp for the following reaction at 300 Kelvin और हमारे पास Kc given है. Equation क्या है हमारे पास, 2SO2 + O2 2SO3. अगर मैं equation देखूँ product side पे जो volume है जो moles हैं वो कम है, 2 हैं, जबकि reactant side पे कितने हैं, 2+1 3 हैं. तो रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कम होंगे तो Kp भी कम आएगा. तो अब जो Kp का आंसर हम लेकर आएंगे वो Kc से कम आना चाहिए. अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन ये है. सबसे पहले डेल्टा Ng फाइंड करेंगे, ये डेल्टा Ng का फॉर्मूला आ गया. और फाइंड हमने कैसे करना है, 2 - 3, क्योंकि 2 क्या है प्रोडक्ट के मोल्स हैं और 3 क्या है रिएक्टेंट के मोल्स हैं. तो 2 - 3 क्या होते हैं, -1. ऑलराइट, अब इस डेल्टा Ng की जगह लिख देंगे हम -1. अब R की वैल्यू लिखेंगे, टेम्परेचर हमें गिवन है क्वेश्चन में 300 केल्विन, टेम्परेचर लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका -1 निकालेंगे, ठीक है, और Kc की वैल्यू पुट कर देंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और Kp की वैल्यू आ जाएगी. अब Kp की वैल्यू देखूँ मैं तो एक्सपोनेंट -7 है और जो Kc की वैल्यू है वो एक्सपोनेंट -5 है. तो इससे हमें पता चल गया कि Kc क्या है, ज़्यादा आया है, ठीक है, Kc ज़्यादा आया है, Kp कम आया है. एक्सपोनेंट -7 मतलब 7 जीरो हैं 4 से पहले, और एक्सपोनेंट -5 मतलब सिर्फ 5 जीरो हैं 1 से पहले. तो कौन सी बड़ी हुई वैल्यू, Kc वैल्यू बड़ी हुई. तो ये बात प्रूफ हो गई हमारे पास, Kp इज लेस देन Kc व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोडक्ट साइड. होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इन 3 पॉइंट्स को जो बुक में है पढ़ना काफ़ी नहीं है, इनको समझना भी ज़रूरी है कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि Kp लेस देन Kc है, Kp ग्रेटर देन Kc है, या Kp इज इक्वल टू Kc है. ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हुआ. होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.